अस्सलाम वालेकुम। इमरात यूएई में 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की इजाज़त नहीं होगी। छुट्टी के रोज काम करवाने पर 1.5 गुना तनख्वाह देना होगी। दीकर अहम शरायत भी सामने आ गई। न्यूज़ की तफसीर में मुलाजा करें। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन के इंतराज के हवाले से अहम सहूलत दे दी गई। दुबई में व्हीकल लाइसेंस सर्विस जुर्माने की अदायकियाँ ऑनलाइन कर दी गई। सर्विस सेंटर पर ये सहूलियात दस्तियाब नहीं होंगी। एक्सपो 2020 के रंगों में रंगे जहाज के साथ सर्फियां लेने के लिए तैयार हो जाएं। जल्द शेख जायद रोड पर इंतहाई नीची प्रवास करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात सबके लिए एक मुल्क और घर की मानत है। शेख मोहम्मद। पुलिस ने स्टेली माँ के तशद्दुद से हलाक होने वाली बच्ची के कत्ल केस हल करने के लिए टीम तश्कील दी थी। इसके अलावा नामलूद के कत्ल का भी सुराग लगा लिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक खातून ने तिब्बी फनी खराबी के बाद शोएल की मौत वाकया होने पर अस्पताल पर 1.5 लाख दरम के हलजाना का दावा कर दिया। उसकी तरफ से सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे वो सभी दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी यूए की या गल्फ न्यूज की अपडेट में आप दोस्तों तक पहुंचा सकूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर की जानिब से बताया गया कि ज्यादा घंटों तक काम करना हर साल लाखों अफराद की जान ले रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कारकुनान की जिंदगी और सेहत को अवलीन तरजीह दी जाती है। इस वजह से ज्यादा ड्यूटी के औकात से मुतल्लक मुसल लेबर कवानीन नाफज किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर के डिपार्टमेंट बलाए माहौलियात व सेहत के डायरेक्टर मालिया नेहरा की जानब से कहा गया कि एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने किसी भी शख्स की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। यूई में कारकुनान के लिए एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे ड्यूटी के औकात मखसूस हैं, यानी कि एक रोज में 8 घंटे से ज्यादा काम लेने की इजाज़त है और फिर एक हफ्ता बाद तहदील भी होती है। इमारात की मशहूर लॉ फर्म एशियन मेहता एंड एसोसिएट की मैनेजिंग डायरेक्टर और मरूफ मिक्सी एशियन मेहता का कहना है कि अगलचा मुलाजमीन के लिए 8 घंटे की ड्यूटी औकात मखसूस है। तमाम कारोबारी मलाजत होटल रेस्टोरेंट के मुलाजमीन और चौकीदारों वगैरह से रोजाना 8 घंटे से भी काम लिया जा सकता है, मगर इनके लिए इमाराती वजारत बरए इंसानी वसैर व इमोटाइजेशन से पेश की इजाज़त नामा हासिल करना होगा। इस तरह अगर कोई पेशा खतरनाक है या इंसानी सेहत पर इसके असलात मुतरतब होते हैं तो ऐसी सूरत में वजार की जानब से हदायत के मुताबिक रोजाना 8 घंटे की बजाय 6 या 7 घंटे ही ड्यूटी करवाई जा सकती है। अगर कोई भी कंपनी या मालिक अपने मुलाजमीन से ड्यूटी के औकात से ज्यादा वक्त में काम लेता है तो इन मुलाजमीन को ओवर टाइम की तनख्वाह अदा करना लाजमी होगा, जिसका कुलिया ये होता है कि एक रोज़ की जितनी तनख्वाह बनती है इन्हें घंटों पर तकसीम किया जाए। मुलाजमीन से जितने घंटे ज़्यादा काम कराया ना होगा इन्हें आम ड्यूटी के एक घंटे की तनख्वाह से 25% ज़्यादा के हिसाब से रकम अदा करना होगी। मसलन अगर एक आम कार में एक घंटे पर 20 दरम अदा किए जाते हैं तो ओवर टाइम के एक घंटे पर 25 दरम अदा करना होंगे। इस तरह अगर किसी दिन के औकात में ड्यूटी करने वाले मुलाजम से रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ओवरटाइम लगवाया जाए तो ऐसी सूरत में इसे फी घंटा ओवरटाइम पर 50% ज्यादा रकम अदा करना होगी। यानी कि आम ड्यूटी में अगर एक घंटे की उजरत 20 दरम बनती है तो इसे 30 दरम फी घंटा अदा किए जाएंगे। शेख मेहता ने वाजा किया कि इमारत कानून मेहनत के मुताबिक किसी भी मुलाजम से 2 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम लगवाने की इजाज़त नहीं। तमाम अगर कोई एमरजेंसी की सूरत हाल है तो फिर ज़्यादा वक्त काम करवाया जा सकता है। इस तरह रोज़गार कानून की शिक 71 के मुताबिक कोई भी मालिक अपने मालिक की हफ्ता वार तहदीर के रोज़ इससे 2 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी लेने का मुजाज नहीं। इसके खिलाफ गलती पर कंपनी मालिक या इंचार्ज को जुर्माने की सजा हो सकती है। तमाम समुद्री हदूद में मुलाजमत करने वाले सीनियर अहदेदार मसलन सुपरवाइजर वगैरह अजाफी ड्यूटी करने पर ओवर टाइम लेने के हकदार नहीं हैं। इमारात में जुम्मा को हफ्ता वार तहदीर होती है। अगर किसी मुलाजम से जुमा के रोज़ ड्यूटी ली जाती है तो इसे ड्यूटी के अगले चंद रोज़ में किसी भी एक दिन छुट्टी देना लाजमी होगा या फिर इस ड्यूटी के एक रोज़ के मुकाबले में 50% ज़्यादा तनख्वाह अदा करना होगी। मसलन एक रोज़ की तनख्वाह 100 दरम बनती है तो जुमे के रोज़ की तनख्वाह 150 दरम बनती है।
दुबई में मुकीम अफराद के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है। बहुत सी सर्विसेज के लिए अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ खास सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक दुबई में अब कई व्हीकल रिसर्सिंग फीस और जुर्मानों की अदायगी से मुतलक सर्विसेज मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक प्लेटफार्म पर मुंतकल कर दी गई। 13 जून के बाद RTA की सर्विस सेंटर पर यह खदमात मुहैया नहीं की जाएंगी। जुर्मानों की अदायगी ऑनलाइन करना होगी। इस तरह 5 किस्म की व्हीकल रिसेंसिंग सर्टिफिकेट जारी करने की सर्विस भी ऑनलाइन कर दी गई है। तो मजा जाहिर है, इंश्योरेंस रिफंड, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की बकाया जाने वाली मुद्दत के बदले में रकम की वापसी। तफसीलात के मुताबिक एक्सपो 2020 दुबई के रंगों में रंगा एयरक्राफ्ट 13 और 14 अक्टूबर को शेख जायद रोड और एक्सपो सेट पर इंतहाई नीची परवाज करेगा। मीडिया और अवाम जहाज को शेख जायद रोड के मुख्तलिफ मकामात और एक्सपो सेट और इसके इतराफ में सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जहाज को देख सकेंगे। इमरत ने एक बयान में कहा कि फ्लाई पास एक खसूसी प्रोजेक्ट है जिसे जल्द जाहिर कर दिया जाएगा। इमरत की जानिब से खसूसी 8380 जहाज की तस्वीर लेने और वीडियो बनाने पर अवाम को रागब किया जा रहा है। अवाम को हदायत की गई कि वो एविएशन के कवानीन पर अमर करें और किसी ड्रोन को उड़ाकर फ्लाई पास को खतरे में ना डालें। यार है, इमरत ने एक्सपो के रंगों में रंगा 8380 एयरक्राफ्ट गुज़श्ता माह मुतारफ करवाए थे। आइंदा चंद माह में एयरलाइन के तमाम 8380 एयरक्राफ्ट को इन्हीं रंगों में ढाल दिया जाएगा। अबू ज़ेबी पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से अहम शहूरत फ्राहम कर दी गई है। अबू ज़ेबी में पाकिस्तान के सफारतखाने ने एक अलामिया जारी किया जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की जरूरत मुतारफ की है। इस रजिस्ट्रेशन के तहत पाकिस्तानी मुल्क से बाल ली के वैक्सीन का इंदराज करवा सकते हैं। तरकीन वतन नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेब लिंक hpnames.natra.gov.pk नेम्स सर्टिफिकेट पर अपनी वैक्सीन की तफसीलात दर्ज करवा कर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब सदर और वजीर आजम दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात सबका मुल्क है और सबके लिए एक घर की मानत है। शेख मोहम्मद का ये बयान मंगल को जारी होने वाले सालाना असरा BCW अरब यूथ सर्वे के 13वीं एडिशन के मौका पर जारी हुआ है। शेख मोहम्मद ने मंगल को ट्वीट में कहा कि हम कहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमीरात हर एक का मुल्क और हर एक का घर है। हमारा तजर्बा हर एक के लिए दस्तयाब रहेगा। हमारे तलकात हर एक के साथ मुस्बत रहेंगे। दुबई फ्रीस ने फोरनिक सेकोरेस के साथ मिलकर सुतेली मां के तजस्त से हिराक होने वाली बच्ची के कतर केस हल करने का आगाज कर दिया है। दुबई पुलिस के डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद सलमान का कहना है कि महकमे ने एडवांस साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की शहादतें हासिल की हैं। फोरनिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ज्यादा जख्मों की वजह से हलाक हुई थी, जिसमें इसकी मां ने साल और दो दीकर बर्तन पर इसे जरपे मारी थी। केस में वैद गवाह मकतूला की दो बहनें हैं जिनकी उम्र 9 और 7 साल थी, जबकि एक नुकरानी एक बाप गवाह था। इस वजह से केस को मटीरियल इफेक्ट पर तकसीम किया गया। इस मकसद के लिए अफसरान ने बच्चों को महफूज मोहर फ्राहम किया और यकीनी बनाया कि इन पर किसी किस्म का दबाव ना हो, ऐसे जवाब मिले जो हकीकत पर मबनी हो। कैप्टन सलमान ने तस्दीक की दोनों बच्चियों के बयान को दुरुस्त पाया गया। इनके मुताबिक इनकी माँ मकतूला बहन को गलती पर सख्त सजा देती थी। माँ ने बच्ची को तेज मलचे खिलाने पर मजबूर किया और इनका मुंह कपड़े से बांधकर इसे बाथरूम में बंद किया। मुलाजमा ने इन बयानात की तस्दीक की, जबकि वालिद ने बताया कि वो ये सब कुछ जानता था मगर इन्होंने मुदाखलत नहीं की। माँ का इंटरव्यू किए जाने के दौरान मालूम हुआ कि वो बच्ची के हवाले से काफी मुस्तस और गुस्सीरा रवैया रखती हैं। एक दूसरे केस में जहां एक मुलाजमा ने अपने हमरा होने का किसी को बताया नहीं और बच्चा पैदा होने के बाद इसे कपड़े में लपेट कर इसे कचरे में फेंका। कैप्टन सलमान के मुताबिक तहकीकात के दौरान मालूम करने की कोशिश की गई कि कहीं माँ को किसी तरह का कोई ज़हनी सदमा तो नहीं था, लेकिन हमारे नफसात ने पाया कि वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर तंदुरुस्ती और जब चीज़ों से बाखबर थी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने रैसर खैमा पपरे प्रोक्यूशन के साथ मिलकर इस केस को हल करने की कोशिश की। सलमान ने कहा कि पपरे प्रोक्यूशन आमतौर पर किसी शख्स के बयान की दुरुस्ती की तस्दीक कराता है और इसके लिए महकमा और इनकी ज़हनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अंदाजा करता है। शख्सियत और तवाज जानने के लिए महकमे ने भी अपना तजर्बा पेश किया, जिसको साइकोलॉजिकल पोस्ट इंटो कहा जाता है। इसके मकसद के लिए इस शख्स के ज़हनी हालत को जानना होता है जिसने अपनी जान ली हो।